यूनिट टू का पहला क्वेश्चन सबसे पहले जिसमें पूछा गया है, जो यूनिट टू है हमारी जो टोटल बेस रहेगी वो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिकल लेयर क्या होता है, ये मे भी दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। सो दैट फिजिकल लिंक लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर जो कोऑर्डिनेट करती है फंक्शन, वो जो बिट होती है हमारी उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम कराती है, मतलब भेजती है ओवर फिजिकल मीडियम में, ठीक है। और यह डील करती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को, जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो इंटरफेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को इंटरफेस कराती है ट्रांसमिशन मीडियम के साथ, जिसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। आपको एक फिजिकल लेयर बनानी है, ठीक है, उसमें जो डेटा से हमारा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर हमारा 1-0 कन्वर्ट करके देगा, और फिजिकल लिंक लेयर उस 1-0 को विद द फॉर्म ऑफ, मतलब कि यहाँ पर ऑप्टिकल लगा है कि RJ45 कोएक्सियल केबल लगी, ट्विस्टेड पेयर केबल लगी है, क्या लगी हुई है, उसके बेस पर यह डिफाइन करके देगा आपको। तो यहाँ पर डेटा आपका सेंड होगा, सेंड होने के बाद ट्रांसमिशन मीडियम में वो डेटा आपका किस फॉर्म में जाएगा, यूनिपोलर जाएगा, RZ में जाएगा, NRZ में जाएगा, जो लाइन कोडिंग हमने पढ़ी थी उसमें कोई एक लाइन कोडिंग होगी, उस लाइन कोडिंग के हिसाब से यहाँ पर डेटा रिसीव होगा, फिर उसी लाइन कोडिंग के अकॉर्डिंग डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद सेम डेटा जितना यहाँ लिखा है 10101 एंड 1 2 3 4 फोर टाइम 0 एंड 10 देन सेम आपको डेटा यहाँ रिसीव होगा, और वो फर्दर किसी डेटा लिंक लेयर में एरर बिट के थ्रू एरर कंट्रोल होगी, देन उसका आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो मेन मुद्दा बस ये है कि हमारा जो बिट है वो चीज़ कंट्रोल होकर के स्ट्रीम बिट में कन्वर्ट होकर के जाएगी, यानी कि हमारा डेटा स्ट्रीम होगा, यानी कि चलेगा, और वो ट्रांसमिशन मीडियम से इंटरफेस होगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस में आपका पूछा गया है कि इसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है, इसके फंक्शन क्या हैं। तो फंक्शन डिपेंड करता है कि क्या क्या काम कर रहा है ये। तो सबसे पहला ये काम कर रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी, उनको इंटरफेस करा रहा है एंड मीडिया के साथ, ठीक है। तो द फिजिकल मीडिया लेयर, फिजिकल लेयर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड एंड ट्रांसमिशन मीडियम, बिटवीन द डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम को यह इंटरफेस करा रहा है। तो पहला ये हो जाएगा हमारा। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। तो जो फिजिकल लेयर है हमारी, ये फिजिकल लेयर वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि किस लाइन कोडिंग के अकॉर्डिंग हमें यह डाटा ट्रांसमिट करना है, ये चीज़ डिपेंड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो डेटा है वो अगला आता है डेटा रेट। डेटा रेट क्या होता है, डेटा रेट ट्रांसमिशन रेट होता है जो नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड काउंट करता है। ये ऑल्सो डिफाइन है जब फिजिकल लेयर में डिफाइन किया जाता है। तो नंबर ऑफ डेटा रेट, कितना डेटा रेट जाएगा एक टाइम पर, एक सेकेंड में 8 बिट जाएगी कि 16 बिट जाएगी, ये डिफाइन करता है हमारा फिजिकल लेयर ही डिफाइन करता है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास जो रहेगा वो चौथा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट में क्या होगा कि बिट हमारी सिंक्रोनाइज, मतलब सेंडर जो होगा और जो रिसीवर होगा वो सिंक्रोनाइज लेवल की बिट होगा। मतलब कि ये अगर 5 बिट पर परफॉर्म कर रहा है, मतलब 5 वोल्ट का बिट एक वंस जनरेट कर रहा है 5 वोल्ट का, तो ये भी 5 वोल्ट का ही इसको मानना होगा कि 5 वोल्ट का जो आउटपुट आए, मतलब सिग्नल आएगा वो उसका 1 होगा, ठीक है, 0 वोल्ट इसका 0 होगा, ठीक। तो इस तरीके से डिफाइन होगा आपका सिंक्रोनाइजेशन। और लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आपका सिंपल है कि यह लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है कनेक्शन की पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है कि 2 डिवाइस आर कनेक्टेड इन टुगेदर डेडिकेटेड लिंक एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, यह डिपेंड करेगा लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा फिजिकल लेयर की फिजिकल लेयर के फंक्शन के अंदर ही आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।